सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। हर सुबह हमारे पास दो चुनाव होते हैं, पहला अपने सपनों के साथ सोते रहें, दूसरा उठें और सपनों के पीछे भागें। अब चुनाव आपको करना है। आपका दिन शुभ हो। आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज है मन, इसे बुरे विचारों से मैला ना करें। भगवान ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो दे कर जाइए या फिर छोड़ कर जाइए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहें। आज का पंचांग 22 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि, रात्रि 3:26 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र शाम 7:59 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:39 से 9:14 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 22 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, आपके लिए सपने को साकार करने का बेहतर समय चल रहा है। आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगी। प्रकृति के साथ समय बिताना और आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा करना आपके मन को शांति और प्रेरणा प्रदान करेगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी तैयार महसूस करेंगी। खुद को तनाव मुक्त महसूस करने के लिए नियमित ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करें। योग ध्यान या व्यायाम जैसी प्राकृतिक तकनीकों का अभ्यास करना आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए यह उत्तेजक और प्रेरणादायक समय है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए तत्पर रहें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम जरूर करें। धन का उपयोग सही तरीके से करना महत्वपूर्ण है। आर्थिक लेन देन में गलतियों के कारण आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर कोई कभी कभी गलतियां करता है। अगर आपको किसी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले उस समस्या का सामना करें और उसे सुलझाने के लिए कदम बढ़ाएं। इसके लिए वित्तीय योजना बनाएं और धीरे धीरे उस नुकसान को पूरा करने के लिए काम करें। दबाव और निराशा के साथ सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको सक्रिय और सकारात्मक रहना होगा। लोगों के साथ संवाद में रहें और उनकी सहायता को स्वीकार करें। अपने मन में कुशलता के लिए सकारात्मक भावना को बनाए रखने के लिए कोशिश करें। आपको अपने आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सही मार्ग पर चलने से आप अपने आत्मविश्वास को पुनः बना सकती हैं और अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ आप अच्छा समय बिता सकती हैं। अकेलेपन और अवरोध की भावना से मुक्ति भी महसूस करेंगी। सामाजिक कार्यक्रमों का मजा जरूर लें। दुर्घटना या चोरी से बचने के लिए यात्रा करते समय ध्यान जरूर रखें। स्वास्थ्य समस्याओं को आपके ध्यान की जरूरत होगी, ऐसे में डॉक्टर से मिलें और आराम करें। आज अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर घर के मामलों को हल करेंगे। निजी और व्यवसायिक जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखें। अपने लिए भी समय निकालें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलतियां करती हैं या कितनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो कोशिश ही नहीं करती। अपने प्रियजनों और करीबियों के साथ समय बिताना और उनके साथ संवाद में रहना महत्वपूर्ण है। उनसे बातचीत करना अपनी सोच को साफ करते हैं। उनसे बातचीत करके अपनी सोच को साफ करें और उनके साथ संबंधों को मजबूत करें। यात्रा की योजना बनाने के लिए समय बहुत अच्छा है। यात्रा आपको नए अनुभव प्रदान करती है और नए स्थानों की खोज करने का अवसर देती है। आपके सुझावों के अनुसार यात्रा करने का निर्णय बहुत अच्छा हो सकता है। यात्रा के दौरान आप नए अनुभव प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को रिफ्रेश करने का अवसर भी पाएंगी। सावधानियाँ।
अच्छा, आपको लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखनी होगी। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो अपने बोलचाल पर भी कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे वाद विवाद और बढ़ जाए। कुछ दुखद समाचार मिलने से मन कुछ उदास भी रह सकता है। अपनी मन स्थिति पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। व्यायाम योग का ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने साथी से दूर हैं तो चैट नेटवर्किंग से उसे अपने पास ला सकते हैं। इसके में छेड़खानी और सितारों के छांव में अपने भविष्य की योजना बनाने से जीवन महकने भी लगता है। घरेलू समस्याओं से बिल्कुल भी ना घबराएं क्योंकि समय सब कुछ ठीक कर देता है। अपने घर के मामलों के लिए व्यस्त कामों से समय निकालने और अपनी प्यार करने वालों के सुझावों का सम्मान करें। आज आपकी खूबियों और व्यक्तित्व की ओर कोई आकर्षित हो सकता है और अपनी साथी से दूरियां कम करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करें कि वो आपसे दूर होने की बात सोच भी ना सके। अभी का समय आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपका संबंध एक लीक पर चल रहा है। शादीशुदा जोड़े अपने रिश्ते में कम होते प्यार को भी कोशिश करके बढ़ा सकते हैं या फिर से पैदा कर सकते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि प्यार से आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां पैदा हो रही है जिससे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन धीरज रखें और इस अस्थायी चिड़चिड़ेपन के दौर से निकलने तक शांत और सहनशील बने रहें। बात करते हैं करियर की। आपको अपने कार्य क्षेत्र में वह प्यार और खुशी मिल रही है जो आप हमेशा सोचते थे। बाहरी दबाव और काम के बोझ कई बार आपको असली प्रेरणा से दूर कर देते हैं, लेकिन एक ऐसा खुशनुमा पल हमें याद दिला सकता है कि हमारे कार्य क्षेत्र में हमें क्यों प्यार है और क्यों हम उसमें जान डालते हैं। आज के दिन आपके लिए अद्वितीय हो सकता है क्योंकि आप अपने कार्य क्षेत्र में नए रूप में अपना रवैया बदल सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है जब आप नए दृष्टिकोण और नए उत्साह के साथ काम कर सकती हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा ला सकता है। आपका रवैया बदलना और आपके कार्य क्षेत्र में नई सफलताओं की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस रवैये का उपयोग करके आप अपने कार्य क्षेत्र में नए और उत्तेजनात्मक रास्ते खोज सकती हैं और अपनी स्थिति को सुधार सकती हैं। जीवन का यह चरण बहुत अच्छा है क्योंकि आज आप लाभ में रह सकते हैं और सफलता में भी, दोनों का मजा लें। आपके चेले चौपाटे आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकते हैं। किस्मत से भरे इस चरण में अपने आकर्षण का फायदा उठाएं। बचूरी से सतर्क रहें, यह आपके प्रयासों की नई शुरुआत है और अब आपके वो सभी सपने पूरे होंगे जिनका आपने लंबे समय तक इंतजार किया है। अपने सहकर्मियों और अधिकारियों से पूरा समर्थन मिलेगा। यह चरण आपको बदलाव की तरफ ले जा रहा है। व्यवसाय की सफलता को विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित करने के लिए नई बैठकें और पार्टनरशिप की संभावना भी है। बात करते हैं सेहत की। आपको आज कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है जो आपको व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भी भाग ले सकती हैं। आपकी मिली जुली कोशिशों से आप अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेंगे। आज का उपाय। आज अब गरीबों को पानी पिलाए शुभ रहेगा या पानी का बॉटल दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।